दीपेंद्र हुड्डा बुरी तरह से चुनाव हारेगा और पीछे थोड़े अंतर से आ रहा था। मैं कहता हूँ जमानत ही बचेगी, लेकिन और कोई मुकाबले में नहीं आया। तो हम तो कहते हैं आओ सोनीपत में, पीछे लोगों ने धूल चटाने का काम किया, अब वो अगर उनका गढ़ है तो क्यों भाग रहे हैं छीट के। हम तो कहते हैं आओ इलेक्शन में पता लग जाएगा किसका गढ़ है कि नहीं। कांग्रेस का बुरा हाल है, ऊपर तो देखिए माँ बेटे की पार्टी है, वहाँ कोई नहीं है, यहाँ बाबू बेटे की पार्टी है, यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं सुना जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं हूँ अनिल खत्री। इंद्र गहलोत भी जो कांग्रेस में भी लंबे समय तक रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी अब लंबे समय से पार्टी की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए पहले तो मैं आपको और जो आपके दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूँ। और हम जो लंबे समय से, मैं तो ये कहूँगा कि मेरी तो जो नर्सरी थी वो जनता पार्टी थी। हम कांग्रेस में रहे जरूर, लेकिन हमारी जो नर्सरी थी, हमारा मन था वो कांग्रेस का नहीं था। हम तो एंटी कांग्रेस की हमारी नर्सरी थी और हम तो उसमें एक तरह से हमने सफर सा तय किया था। और जब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर आ गई, देखिए पिछला जो चुनाव हुआ, दो सीटें यहाँ से, एक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ से लड़ लिए और वो खुद अपने बेटे को वहाँ से टिकट दे दी। और जो यहाँ पर जितने भी पहले MLA की टिकट होती थी वो भी रोहतक के लोगों को लाके सोनीपत में देने का काम किया। जब हमने ये देखा कि हमारे एरिए को किस तरह से वो हड़पना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, और जो भी भाई भतीजावाद था, नौकरी थी, अक्षेत्रवाद था, सारा विकास की बात थी, नौकरियों की बात थी, वो सब रोहतक में ले जाने का और वो भी एक कलोई में ले जाने का उन्होंने काम किया। तो फिर हमने निर्णय लिया कि देखिए हम भी समाज के लोग हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे एरिए की और समाज की तरक्की हो। तो हम लोगों ने उस पार्टी को अलविदा कह दिया और वहाँ पर सारा खर्ची पर्चे की बात चलती है, चाहे नौकरियों की बात हो चाहे टिकटों की बात हो, वो लोग तो बगैर खर्ची पर्ची के कोई काम करते नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ आज कांग्रेस का बुरा हाल है, ऊपर तो देखिए माँ बेटे की पार्टी है, वहाँ कोई नहीं है, यहाँ बाबू बेटे की पार्टी है, यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं सुना जाता। और भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस में इतना तानाशाही है कि पहले तो दो दो तीन तीन जो उनके प्रधान रहे उनको नहीं बनाने दिया संगठन, और जब वो नहीं माना तो तवर की तो टांग तोड़ने का काम इन्होंने किया, और शैलजा जी को भी बेइज्जत किया जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा समय से पहले। गहलोत साहब, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं कि मेरी आखिरी लड़ाई है और मेरे मन में एक टीस है, तो क्या रहेगा इस बार? नहीं, देखिए डेमोक्रेसी में तो आखिरी लड़ाई तो कोई होती नहीं, और उन्होंने अच्छे काम किए होते तो जनता उनको वैसे ही चुनती, उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब उनका राज था किस तरह से किसानों को जमीनों पर डाका डालने का काम किया, मानेसर में किस तरह से पहले उन्होंने नोटिस दे दिया और फिर अपने आदमी भेज करके उन जमीनों का एग्रीमेंट करा लिया, और जब उनके एग्रीमेंट हो गए तो वो नोटिस वापस ले लिया। 1500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का काम उन लोगों ने किया। आज देखिए उनके ऊपर 6-6 केस हैं, चाहे HSIDC के प्लॉट की बात हो, पहले उन्होंने प्लॉट के एडवर्टाइजमेंट कर दी और कंडीशन लगा दी, तो उस कंडीशन फुलफिल नहीं करते थे, अपने आदमियों से फार्म भरवा लिए और जब उनके आदमियों के फार्म आ गए तो वो कंडीशन विड्रॉ कर ली, आज उस पर भी जमानत पर हैं। तो जैसे 10 से लोकसभा सीटें हैं हरियाणा की और चुनाव लोकसभा का जो है वो आगाज हो चुका है, तो क्या मानते हैं क्या परिणाम रहेंगे? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, जिस रोहतक सोनीपत की वो गढ़ की बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भैया, वो हम तो कहते हैं आओ सोनीपत में, पीछे लोगों ने धूल चटाने का काम किया, अब वो अगर उनका गढ़ है तो क्यों भाग रहे हैं छीट के। हम तो कहते हैं आओ इलेक्शन में पता लग जाएगा किसका गढ़ है कि नहीं, किसकी क्या लोकप्रियता है कि नहीं, पता लग जाएगा, वो तो भाग रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस की कितनी सीटें मानते हैं? देखिए मैं ये कहता हूँ कांग्रेस के पास एक भी सीट पर कैंडिडेट ही नहीं है। शैलजा कह रही है कि मैं लोकसभा का नहीं लड़ूं, मुझे तो MLA का लड़ा दो। सारे लोगों का ये हाल है कि कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। फिर क्या रहेगा बाप बेटे? देखिए मैं तो ये कहता हूँ, नहीं नहीं देखिए 10 की 10 सीटें हम चुनाव जीत कराएंगे। और ये देखिए मैं तो ये कहता हूँ चुनाव चुनाव नहीं जीत कराएंगे, हम जमानत जब्त कराने का भी काम करेंगे। आप पीछे देखिए, ये कोई गठबंधन की बात करते हैं, पीछे तो ये जब अलग अलग चुनाव लड़े थे सब लोग, उन सब के मिला के जितना वोट मिला था उससे तो 1 लाख वोट हमें पहले ही ज़्यादा मिला हुआ है। तो दीपेंद्र हुड्डा की जीत नहीं होगी इस बार? देखिए मैं कहता हूँ दीपेंद्र हुड्डा कोई पॉलिटिकल नहीं है, वो तो एक पूरा मुख्यमंत्री का बेटा है, वो तो पहले राजनीति में था ही नहीं, उसको तो सिर्फ विरासत में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए वो तो कई विदेशों में अपना कंप्यूटर का काम करता था, उसकी क्या कोई पॉलिटिकल लाइफ थोड़ी थी, वो तो एक सिर्फ इसलिए उसको विरासत में लेके आ गए कि उनका ये देखिए इन परिवारों में ऐसा ही है, हरियाणा प्रदेश में 4 परिवार मोटे तौर पर हैं। अरे पहले रणबीर सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते थे, फिर उनका दूसरा बेटा आ गया,
वो भी कलोई से चुनाव हार गया 1977 में भी और 1982 में भी। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए, फिर दीपेंद्र हुड्डा आ गया। इसी तरह से पहले चौधरी बंसी लाल थे, फिर सुरेंद्र आ गया, फिर क्या रहेगा इस बार दीपेंद्र हुड्डा का? देखिए मैं ये कहता हूँ दीपेंद्र हुड्डा बुरी तरह से चुनाव हारेगा और पीछे थोड़े अंतर से आ रहा था। मैं कहता हूँ जमानत ही बचेगी, लेकिन और कोई मुकाबले में नहीं आए।